1996 में अब्दुलगढ़ मुख्तार अंसारी और भीम सिंह के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा थाना कोतवाली गाजीपुर में पंजीकृत हुआ था, जिसमें गैंग चार्ट में कुल 5 मुकदमे अंकित किए गए थे, जिसमें गाजीपुर में एडिशनल SP के पर जानलेवा हमले सहित अवधेश राय की बनारस में हत्या किए जाने का भी मामला सम्मिलित था। गाजीपुर कोर्ट में मऊ के बाहुबली पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी और अपराध कार्यों में उनका साथ देने के लिए भीम सिंह पर गाजीपुर गैंगस्टर कोर्ट के न्यायाधीश ने 12 दिसंबर को बहस पूरी कर आने वाले 15 दिसंबर की तारीख फैसले के लिए सुरक्षित कर दी है, जिसके बाद मुख्तार अंसारी से जुड़े लोगों और सियासी गलियों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। इसकी पुष्टि ADGC क्रिमिनल नीरज श्रीवास्तव ने मीडिया से की। नीरज श्रीवास्तव ने आगे बताया कि मुख्तार अंसारी और उनके सहयोगी भीम सिंह पर साल 1996 में गैंगस्टर का एक मुकदमा दर्ज हुआ था, जो काफी समय से कोर्ट में लंबित था, जिस पर पिछले महीने 25 नवंबर को फैसला आना था, लेकिन अचानक पीठासीन अधिकारी के ट्रांसफर हो जाने से ये नहीं हो सका। फिर नए पीठासीन अधिकारी के आने के बाद रोजाना स्तर पर सुनवाई की गई और उसके बाद जेल में बंद मुख्तार अंसारी के वकीलों द्वारा 12 तारीख को बहस पूरी की गई। 1996 में अभ्युतगढ़ मुख्तार अंसारी और भीम सिंह के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा थाना कोतवाली गाजीपुर में पंजीकृत हुआ था, जिसमें गैंग चार्ट में कुल 5 मुकदमे अंकित किए गए थे, जिसमें गाजीपुर में एडिशनल SP के पर जानलेवा हमले सहित अवधेश राय की बनारस में हत्या किए जाने का भी मामला सम्मिलित था। उस मामले में गवाही पूरी होने के बाद विगत 25 नवंबर को जजमेंट की तिथि नियत थी, परंतु पीठासीन अधिकारी के स्थानांतरण के कारण वह जजमेंट नहीं हो सका और पुनः नए अधिकारी श्री दुर्गेश पांडे जी को MPMLA का क्षेत्राधिकार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया और 5 तारीख को उस मामले में पहली बार दोबारा फिर अभियोजन की बहस हुई और 5 तारीख के बाद से लगातार डे-टू-डे इसमें बहस की कार्रवाई चल रही थी। आज अभियुक्तगण की ओर से बहस संपन्न हुई और अभियोजन ने उनकी बहस की प्रत्येक बिंदु का जवाब दिया और पत्रावली वास्ते निर्णय 15/12/2022 को नियुक्त की गई है। सर, चर्चा थी कि आज भी मतलब विपक्ष के लोग जो है वो भागने की कोशिश कर रहे थे उसके बाद भी। अब उनका एक तर्क ये था कि इसमें ताराचंद गुप्ता अधिवक्ता को भी बहस करना है, तो परंतु माननीय न्यायालय ने कहा कि कई तिथियों से बहस हो रही है और इसलिए अब इसमें किसी अन्य अधिवक्ता के नाम पर तारीख स्थगित नहीं की जाएगी, संपूर्ण बहस आज पूरी किया जाए। तो अधिवक्त के अधिवक्ता श्री विजय शंकर राय बहस को पूरा किए और इसके बाद अभियोजन की का जवाब सुनने के बाद माननीय न्यायालय ने 15 तारीख निर्णय के लिए नियत किया है। अगली कार्रवाई किस प्रकार की होगी सर? बस अब अगली कार्रवाई केवल निर्णय 15 तारीख को होना है। आपको बता दें कि पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के ऊपर पुराने मुकदमों के साथ इसी मुकदमे में तत्कालीन एडिशनल SP पर गोलीकांड, कृष्णानंद राय व अवधेश राय हत्याकांड समेत कई मामले पर दोनों पक्षों की गवाही, जिरह और बहस गुजर चुकी है और अब 15 दिसंबर फैसले की घड़ी मुकर्रर हो गई है। अब देखना यह है कि गाजीपुर की गैंगस्टर कोर्ट क्या फैसला सुनाती है। गाजीपुर से विनय सिंह की रिपोर्ट, UP तक।